मार्केट में बहुत सारे फोन लॉन्च होते ही रहते हैं, आपको पता है, लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो बहुत ही ज्यादा फोन लॉन्च करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Redmi की तरफ से और Realme की तरफ से। ये तो कंपनियां हैं बहुत ही ज्यादा फोन लॉन्च करती हैं। इन दोनों कंपनियों में कहीं ना कहीं कंपटीशन लगा ही रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंज्यूमर को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी फोन मिल जाते हैं, काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले फोन हमें काफी सस्ते मिल जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हाल ही में Redmi ने कन्फर्म किया है अपने दो नए स्मार्टफोन को, जो आपका आएगा K20 और K20 प्रो के नाम से। ये जो फोन है आपको चाइना में K20 और K20 प्रो के नाम से देखने को मिलेंगे, और इंडिया में आपको पोको F2 के नाम से देखने को मिल जाएंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि Redmi की तरफ से एक फोन आया था पोको F1, उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन था, क्योंकि उस प्राइस में Qualcomm का Snapdragon 845 किसी भी फोन में नहीं आता था, और जो आते थे वो आते थे 60 या 70 हजार रुपए वाले फोन में। कूलिंग टेक्नोलॉजी का सिस्टम भी आया था उस फोन में। इस फोन में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फोन है आपको चाइना में K20 और K20 प्रो के नाम से देखने को मिलेगा, और ये इंडिया में लॉन्च होगा तो पोको F2 के नाम से देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में K20 प्रो के बारे में पूरा बताने वाला हूँ। वैसे दोनों ही फोन सेम है, कुछ चीजों का अंतर है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे K20 प्रो की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.3 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, नॉचलेस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पोको का F1 आया था, उसमें आपको नॉच डिस्प्ले मिली थी, थोड़ा सा बड़ा नॉच था, इसमें आपको नॉचलेस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन के साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। वैसे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो, सामने घंटी को बजा दो। बात कर रहे हैं यहाँ पे ये फोन आपको कितने वेरिएंट में देखने को मिलेगा, तो ये फोन आपको 4 वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। पहला आपका आएगा 6GB 64GB स्टोरेज के साथ आएगा, दूसरा फोन आपका आएगा 6GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, तीसरा फोन आपका आएगा 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा, चौथा फोन जो आपका आएगा 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आएगा। तो मतलब क्या है, इस फोन में 4 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप अपनी साइड से प्रेफर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। बात कर लेते हैं हम लोग इसकी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्विक चार्ज को सपोर्ट करेगा, और इसमें 40 mAh का आपको इसमें फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। मतलब क्या है कि आप अपने फोन को जल्दी चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि इसमें टाइप सी पोर्ट दिया गया है, और जल्दी चार्ज करने के साथ ही साथ आपके लिए इसमें 40 mAh का चार्जर दिया गया आउट ऑफ द बॉक्स। इसका मतलब क्या है, आपका फोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा और बैटरी भी काफी लॉन्ग टाइम। अब करते हैं हम लोग यहाँ पे इसके कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिलेगा। वैसे मुझे तो पर्सनली ऑडियो जैक बहुत ज्यादा पसंद आता है, आपको क्या लगता है इस ऑडियो जैक के बारे में? अगर आपको ऑडियो जैक अच्छा लगता है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ऑडियो जैक क्यों नहीं अच्छा लगता है। बात करें यहाँ पे, ये आपका MIUI 10 पर वर्क करेगा, और ये एंड्रॉइड 9 पाई पर लेटेस्ट काम करता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और मैं बात करूं यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपको कोरलिंग गोल्डा ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, आगे और पीछे दोनों ही साइड में आपको कोरलिंग गोल्डा ग्लास 6 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब कि अगर आपका फोन ऊपर से नीचे गिरता है, अगर सीधा भी गिरता है तब भी नहीं टूटेगा, उल्टा भी गिरता है तब भी नहीं टूटेगा। और आपको पता है कोरलिंग गोल्डा ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आई थी Redmi के Note 7 Pro में, और वो फोन आपको पता है बिल्कुल भी नहीं टूटता है, बहुत ज्यादा हैवी हो, और कोरलिंग गोल्डा ग्लास 6 की प्रोटेक्शन इज गोइंग टू बी मच बेटर। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको Qualcomm का Snapdragon वाला 855 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और मुझे लगता भी था कि 855 प्रोसेसर के साथ ही आएगा, क्योंकि उस टाइम पर लेटेस्ट प्रोसेसर जो था वो 845 था,
तो तब आया था और इस टाइम पर लेटेस्ट प्रोसेसर 855 है, तो इसमें आपको 855 देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसमें पबजी भी खेलोगे तो बिल्कुल भी आपको फोन हीट नहीं करने वाला है, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि इसमें साथ ही साथ कूलिंग टेक्नोलॉजी का सिस्टम भी आएगा। तो मतलब क्या है कि इस फोन में आपको एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। पहली बात कर लेते हम लोग इसके कैमरे को लेकर के, तो इस फोन में आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाएंगे, 3 कैमरे आपको इसमें बैक में देखने को मिलेंगे, 1 कैमरा आपको इसमें फ्रंट में देखने को मिलेगा, और ये सेल्फी कैमरा आपका पॉपअप कैमरा होने वाला है। वैसे अब ज्यादातर जितने भी फोन आ रहे हैं उन सारे फोन में पॉपअप कैमरा आ रहा है, क्योंकि नॉचलेस डिस्प्ले आ रही है तो पॉपअप कैमरा तो कहीं ना कहीं बनता ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रियर कैमरे के बारे में, तो इसमें आपको 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला कैमरा आपको दिया गया वो 48 मेगापिक्सल का आपको दिया गया है, 1.8 एपर्चर के साथ आएगा। दूसरे कैमरे की बात करें हम लोग यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2.4 एपर्चर के साथ आएगा, इससे आप अपने टेलीफोटो भी ले पाएंगे। तीसरे कैमरे की बात करें यहाँ पे, तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, 2.5 एपर्चर के साथ आएगा, अल्ट्रा वाइड फोटो क्लिक कर पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसमें आपको सोनी के सेंसर देखने को मिल जाते हैं, ये कमाल ही है। तो मतलब क्या है, इस फोन के कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। मैं बात करूं यहाँ पे इसके सेल्फी कैमरे को लेकर के, जो कि पॉपअप कैमरा है उसमें आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि 2.0 एपर्चर के साथ आएगा। इस फोन में आपको कैमरा काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही होने वाला है आपका पोको F2। इस फोन के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिए। हम लोग इसकी प्राइस के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि ये फोन ज्यादा हाई प्राइस में लॉन्च नहीं हुआ, ये फोन है आपको 20 वेरियंट इसका 24 या 25 हजार रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा। और इतने प्राइस में अगर ये फोन लॉन्च कर दिया गया तो सच बता रहा हूँ सारी कंपनियों की वॉट लग जाएगी अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से OnePlus 7 आया था उसमें भी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला था, पॉपअप कैमरा फ्रंट में देखने को मिला था, नॉचलेस डिस्प्ले आपको देखने को मिली थी, और आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। उस फोन के लिए आपको 50,000 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, और इस फोन को अगर आपको खरीदना चाहते हो वही सारी चीजें सेम दी गई हैं और मात्र 25,000 रुपए में आपको ये मिल जाता है, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी फोन हो जाएगा बहुत ही ज्यादा, और उस फोन को कोई भी खरीदने नहीं वाला है। वैसे आपका क्या क्या कहना है मुझे कॉमेंट में जरूर से बता दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो को लिए पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, शेयर करना या ना करना वो आपके हाथ में। मैं मिलता हूँ आपको इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।